नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सांता क्रूज वाकोला पुलिस स्टेशन के एपीआई पर लगा होटल में मारपीट का आरोप, सीसीटीवी में मामला हुआ रिकॉर्ड। मुंबई के सांता क्रूज पूर्व वाकोला पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक विक्रम पाटिल रात्रि में कार्यरत थे। वाकोला पुलिस स्टेशन की हद में स्थित स्वागत रेस्टोरेंट कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रात 12 बजे बंद हो चुकी थी। सहायक पुलिस निरीक्षक विक्रम पाटिल रात को 12:30 बजे के लगभग स्वागत रेस्टोरेंट से फ्री का खाना और ड्रिंक लेने पहुंचे। रेस्टोरेंट के मालिक ने खाना खत्म होने की वजह से खाना देने से मना कर दिया, जिस पर सहायक पुलिस निरीक्षक विक्रम पाटिल पुलिसिया रौब दिखाते हुए रेस्टोरेंट के मैनेजर को मारने लगे। मारने का पूरा कारनामा लाइव सीसीटीवी में कैद हो गया। इस मारपीट की वीडियो का आहार संगठन ने शेयर करते हुए विश्वास नागरेज पाटिल संयुक्त पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर के साथ पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत करते हुए सहायक पुलिस निरीक्षक विक्रम पाटिल को तुरंत सस्पेंड किए जाने की मांग की। देखिए ये वायरल वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। रात को लेके हमारे पूरे इंडस्ट्री में एक ऐसा वातावरण फैल चुका है। इंडस्ट्री में हमारे ओनर के साथ साथ हमारे जो वर्कर्स वर्ग है उनमें भी एक अलग वातावरण हो गया कि वो लोग ऐसा सोच रहे कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। जिस तरह से मैंने एक होटल बंद है, मैं पार्सल नहीं दे सकता हूँ, ऐसा बोलने पर एक ऑफिसर इस तरह से उनको मारता है, तोड़ता है और इस तरह से उनके साथ व्यवहार करता है। इसको लेके मेम्बर्स में बहुत बड़ा एक अलग दृष्टिकोण हो गया है, ये क्या किया है करके। सर वही फ्री का उनका ये था कि मुझे पार्सल दे दो खाना है, नहीं ऐसा जो भी पैसे का तो सब्जेक्ट, अगर समझे कोई पुलिस वाला आता है तो नॉर्मली ऐसा कोई होटल वाला चार्ज करने की बात नहीं करता है। तो उनको बस होटल अभी जब बंद है, सब किचन बंद कर चुके हैं तो कहाँ से देगा उसका इतना ही, तो मैं नहीं दे सकता, बंद है होटल, तो नहीं देने के लिए उसको उतना मारने का तोड़ने का उसको उसका चेन बिन खींचा गया। और जिस वो स्टाफ में भी कैसा वातावरण हो गया कि ये ऐसा हमारे अगर मैनेजर को मारा जाता है, कल हमारा नंबर है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इस तरह का है। हमारा आहार संगठन जो होटल एसोसिएशन ने इसके बारे में सम्माननीय कमिश्नर साहब से गुजारिश की है कि ये इसके पर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए। मुंबई पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड का बाद एक मुंबई पुलिस का नाम है जिसका नाम मलिन होने जा रहा है। ये ऐसा सब लोग पुलिस ऐसा सब पुलिस ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ये कुछ ऑफिसर की वजह से नाम खराब होता है। तो उसके ऊपर ये होना चाहिए कि ये इस तरह से आइंदा से नहीं हो। ये कोरोना को लेके लोग ऐसे ही मर रहे, ऐसे परेशान है इंडस्ट्री, और उसमें ऐसा कोई वारदात होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मनस्ताप होता है। देखा तो मुझे लगा ये पुलिस वाला था या गुंडा था। पहली बात तो वो विदाउट ड्रेस में थे, अगर होटल वाला चाहता तो उसे मार मार के उसका हड्डी पसली एक करता था। वो पुलिस वाला था करके बच गया। वो होटल वाले कभी नहीं चाहते कि उनके होटल में कोई वो लोग मारे, कस्टमर को मारे या किसी को भी, लेकिन उन्होंने जो हरकत की पुलिस वाला बनकर जाकर के जो गुंडागर्दी किया है, पुलिस डिपार्टमेंट का, होम डिपार्टमेंट का उसने पूरा बदनाम किया है नाम। इस तरह से अगर हम करते जाएंगे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम ज़मीन पर आ जाएगा। जो सेकंड नंबर पे हमारे डिपार्टमेंट का नाम आता है, आज इन ऐसे कुछ अधिकारी लोग जाकर के इनको हमेशा मिलते होटल इंडस्ट्री मिलती है और कई सारे काम हैं इनके पास, सिर्फ होटल कैसा बंद करने का, लेडीज़ बार में कैसा जाके घुसने का, उनके साथ में क्या करने का, ये सब चीज़ें रोकना चाहिए कहीं ना कहीं। एज ए महाराष्ट्र मानव सेवा संघ मैं चाहता हूँ कि अधिकारी को निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। होटल इंडस्ट्री ने तो उनको उन पर सस्पेंड चाहिए करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं किया तो मैं खुद PIL डालूँगा, ये अधिकारी के खिलाफ जनहित याचिका डालेंगे। फिर हमको नहीं बताने का कि ये क्या हुआ, ये क्या कर दिया करके। होटल एसोसिएशन बाजू में रहेगा, महाराष्ट्र मानव सेवा संघ फिर लड़ेगा इस चीज़ से। लोगों के न्याय हक के लिए हम कहीं तक भी जाने को तैयार है, न्यायिक न्याय मिलना चाहिए, हमारी यही मांग है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।